हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। बीसीए की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और बीसीए की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कल हम लोग ने क्या पढ़ लिया था, हम लोग ने ये पढ़ लिया था कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है। ठीक है, तो कल हमने आपको एक चीज बताई थी टॉपिक खत्म होते समय कि हम प्रोडक्ट भी सेल परचेज करते हैं और साथ में सर्विस भी सेल परचेज करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि प्रोफेशन क्या होता है। ठीक है, कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जो वर्क करते हैं, तो आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज प्रोफेशन। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रोफेशन, देयर आर मेनी इंडिविजुअल एंड फर्म्स दैट मे ऑल्सो रेंडर सर्विसेज, दीज पीपुल्स आर। अब देखिए, अब क्या कहा गया, कई इंडिविजुअल मतलब अकेला व्यक्ति, कई अकेले व्यक्ति और कई फर्म या ऑर्गेनाइजेशन जो क्या देती हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करती है, सर्विसेज, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल कहते हैं या प्रोफेशन कहते हैं। ठीक है, और ऐसे कुछ प्रोफेशनल जो हम लोग आम तौर पे जानते हैं वो कौन है, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, या आप लोग ने नाम सुना होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरीशिप का। ठीक है, ये सब कौन होते हैं, ये सब होते हैं वो प्रोफेशनल जो आपको सर्विस देते हैं। ठीक है, अब देखा जाए कि भाई बिजनेस में प्रोडक्ट भी सेल परचेज होता है और प्रोफेशन में सर्विस, अब डिफरेंस क्या है किसमें, बिजनेस और प्रोफेशन में। ठीक है, हमने बता दिया आप लोगों को कि प्रोफेशन क्या होता है और बिजनेस क्या होता है, आइए देखते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस ऐसा है दोस्तों, देखिए प्रोफेशन में क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन में क्या होता है, जो प्रोफेशनल पर्सन होता है वो अपने क्लाइंट के बारे में, ठीक है, मान लीजिए डॉक्टर है या लॉयर है, ठीक है, ये जिनको सर्विस देते हैं उनको क्लाइंट कहते हैं। तो ये अपने क्लाइंट के बारे में ना सब चीजें जानते हैं या जानना चाहते हैं या पूछते हैं। ठीक है, दे नो ऑल द डिटेल्स ऑफ देयर क्लाइंट्स। ठीक है, ये अपने क्लाइंट्स का हर डिटेल जानते हैं। पर बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में जैसे कोई भी बिजनेसमैन होता है, वो जैसे ही गुड्स और सर्विस अगर सोल्ड कर रहा है, गुड्स, ठीक है, अगर वो गुड्स सोल्ड कर रहा है तो वो अपने क्लाइंट के बारे में नहीं जानना चाहता है, उसे बस किससे मतलब है, प्रॉफिट से। ठीक है, उसे बस प्रॉफिट से मतलब है, उसको इससे नहीं मतलब है कि क्लाइंट को उस गुड्स का उपयोग है कि नहीं है। पर डॉक्टर और लॉयर में केस में क्या है कि डॉक्टर वही दवाई देगा जो उस क्लाइंट को जरूरी होगा, ठीक है, या पेशेंट कह लीजिए, और लॉयर भी वही एडवाइस देगा जो उस क्लाइंट के हित में होगा। पर बिजनेसमैन के लिए इससे कोई मतलब नहीं है कि आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप उसका यूज करते हैं, आपको यूज है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसको क्या करना है, उसको बस अपना प्रोडक्ट सेल करना है। ठीक है, सोल्ड द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही एक मेजर डिफरेंस है किसमें, आपका प्रोफेशन और बिजनेस में। ठीक है, आइए हम लोग आज देखेंगे, एक नया टॉपिक देखते हैं जो कि क्या है, मोटिव्स ऑफ मोटिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब देखिए मोटिव्स ऑफ बिजनेस का मतलब हो गया कि बिजनेस के करने के क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, बिजनेस को करने के क्या क्या उद्देश्य हैं, तो हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, अब देखिए कि क्या क्या चीजें हैं जो बिजनेस को मोटिवेट करती हैं या मोटिव प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि पहला है,
टू अर्न प्रॉफिट्स, टू प्रोवाइड सर्विसेस, ठीक है, टू सोल्ड गुड्स, ठीक है, टू अपग्रेड योर लिविंग, ठीक है। तो इसका पहला क्या है, इसमें पहले क्या दिया है, टू अर्न प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, देखिए एक चीज मैं लिखता हूं सैलरी, सैलरी है, सैलरी आप तब कमाते हैं जब आप कहीं पे जॉब करते हैं, ठीक है, वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होगा, किसी भी फर्म में होगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा, आप जब जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। अब सैलरी जो मिलती है उसका इससे कोई मतलब नहीं होता है कि वो बिजनेस लॉस में है कि प्रॉफिट में है कि क्या है, आपने काम किया है आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। पर अगर आपका मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करना अगर आपका मेन मोटिव है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए फिर आपको बिजनेस करना पड़ेगा और ज्यादा ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं अर्न होगा तो बिजनेस में लॉस अर्न हो जाएगा, ठीक है। और सबका मोटिव क्या होता है, सब लोग चाहते हैं कि उनको क्या हो, प्रॉफिट अर्न हो, कोई लॉस करने के लिए बिजनेस नहीं करता है, लॉस इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ना प्रॉफिट ना लॉस, तो वो उस समय क्या होता है, जितना हमने क्या किया था, खर्च किया था, उतना ही लगभग वापस आ गया। पर कभी कभी क्या होता है, खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और क्या होता है, हमारी इनकम कम हो जाती है, और कभी कभी इनकम ज्यादा हो जाती है, तो जब इनकम ज्यादा हो जाएगी तो हमारा प्रॉफिट है, और जब इनकम कम रहेगी तो हमारा लॉस है, ठीक है। आइए अगला क्या है, टू प्रोवाइड सर्विस। अब जो लोग क्या करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, वो कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसको, अपनी कम्युनिटी को या जहां रहते हैं। जैसे आपने टाटा का नाम सुना होगा, ठीक है, टाटा ने बिजनेस तो किया, ठीक है, पर उन्होंने एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड की, वो उन्होंने ये सोचा कि सबको क्या मिले, कार मिले, हर व्यक्ति कार चला सके, ठीक है, कम इनकम वाला भी, तो उन्होंने टाटा नैनो निकाल दी, ठीक है, क्या निकाल दिया, टाटा नैनो। अब टाटा नैनो का क्या कॉस्ट था, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख था। तो अब जिनकी इनकम 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक थी, वो भी क्या कर सकते थे, कार अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है। तो टाटा ने क्या किया, अपना बिजनेस तो किया, अब जब नैनो लोग खरीदेंगे ज्यादा, तो टाटा किस में जाएगी, प्रॉफिट में जाएगी, ठीक है। पर एक तरह से क्या किया है, सर्विस भी की है, समझ में आया। अगला क्या है, टू सोल्ड गुड्स। अब क्या है, हमने क्या बताया, टू सोल्ड गुड्स, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किया है बेचने के लिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, बिजनेसमैन और कंज्यूमर, ठीक है, ये क्या करता है, परचेस ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या करता है, ये भी करता है परचेस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। पर इसका सेकंड क्या होता है, सोल्ड द प्रोडक्ट, और इसका क्या होता है, कंज्यूम, ठीक है। अब यहां पे अंतर समझिएगा, जो बिजनेसमैन है वो भी प्रोडक्ट क्या करता है, खरीदता है,
वो भी प्रोडक्ट परचेज करता है, ठीक है, पर जो वो होता है कौन होता है, कंज्यूमर, कंज्यूमर भी प्रोडक्ट परचेज करता है, ठीक है, पर जो हमारा बिजनेसमैन है वो क्या करता है, प्रोडक्ट को सोल्ड करता है, पर जो क्या है हमारा कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट सोल्ड नहीं करता है, वो क्या करता है उसको कंज्यूम कर देता है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया, क्या देखिए हमने अभी बताया अभी अभी जस्ट कि परचेज ऑफ प्रोडक्ट बिजनेसमैन भी करता है, परचेज ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूमर भी करता है, पर बिजनेसमैन का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट के लिए वो क्या करता है उसको बेच देता है, सोल्ड कर देता है, ठीक है, पर कंज्यूमर का मेन मोटिव उसका प्रॉफिट नहीं होता, उसको क्या करना होता है, उसको उसको प्रोडक्ट को यूज करना होता है, इसलिए उसका मेन मोटिव क्या होता है, उसको कंज्यूम करना। अगर बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, ठीक है, अब भाई बिजनेसमैन भी इंसान है, कोई प्रोडक्ट अपने लिए पर्सनल कंज्यूम करेगा, तो जब वो जो प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा उसके लिए वो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा, ठीक है, और जो प्रोडक्ट वो बेच देगा उसके लिए बिजनेसमैन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अगला इसमें क्या था, मोटिव टू अपग्रेड योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, रहन सहन का तरीका, ठीक है, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपकी परचेजिंग पावर, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, खर्च करने की क्षमता, परचेजिंग पावर भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी इनकम, यहाँ पे इनकम लिखता हूँ, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, अगर परचेजिंग पावर ज़्यादा है तो ये बट ऑब्वियस ऑटोमेटिक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान परचेज करेंगे, लग्जरी आइटम परचेज करेंगे, और उससे क्या होगा, उससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन का तरीका जो है वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें थी जो मोटिव्स हैं, जो बिजनेस करने के लिए उद्देश्य हैं, कुछ इसमें पर्सनल उद्देश्य थे, कुछ इसमें सोशल उद्देश्य थे, ठीक है, सोशल उद्देश्य मतलब सोसाइटी के लिए भी था, और पर्सनल मतलब बिजनेसमैन के लिए था। ठीक है, फॉर बिजनेसमैन, ठीक है, तो मैंने ये चार मोटिव बताए हैं, ठीक है, और सबसे बड़ा मोटिव जो होता है इन सबको, ये सब मोटिव जिसके अंडर आते हैं वो है, जो पहला मोटिव था टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, क्या था, टू अर्न प्रॉफिट्स, ये सबसे बड़ा मोटिव होता है किसी भी बिजनेस को करने के लिए, ठीक है। और ये जो मोटिव है ना, ये जितने भी बिजनेस के मोटिव आएंगे सब में क्या होगा, जुड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर के लिए इनकम बढ़नी चाहिए, अगर आप खुद बिजनेसमैन है तो आपकी इनकम क्या है, प्रॉफिट है, अगर आपकी इनकम प्रॉफिट है तो फिर प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, और प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, जब आपका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, और जब तक आप प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे, ठीक है, जब तक आप प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे तब तक क्या होगा, तब तक आपका बिजनेस अच्छे से रन करेगा। जब प्रॉफिट अर्न करना बंद हो जाएगा या प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा होगा तो कुछ समय तक आप सर्वाइव कर सकते हैं, पर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद दिक्कतें आएंगी, आपको बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग अभी ही रिसेंटली हुआ था, साल भर पहले की बात है, लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, अब लॉकडाउन हुआ तो सभी बिजनेस बंद हो गए थे, पर कुछ बिजनेस ऐसे थे जो ये लॉकडाउन क्या किए, सर्वाइव कर लिए। अब लॉकडाउन सर्वाइव करने के लिए क्या किया थे, उन्होंने कुछ क्या रखा था अपने पास, अपने पास कुछ कैपिटल रखा था, कुछ सेविंग्स रखी थी, सबसे जरूरी सेविंग्स, तो सेविंग्स ने उन्हें लॉकडाउन में अपने बिजनेस को चलाने और सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा मदद की। ठीक है, आइए एक चीज और आप लोग को बताते हैं कि प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है। देखिए देखिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस, ठीक है, और लॉस इज इक्वल टू
एक्सपेंस माइनस इनकम। जैसा कि हम लोग ने छोटी क्लास में हमेशा पढ़ा है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करते हैं, घटाते हैं। किसमें से? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, यहाँ अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है तो हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, पैसा बचेगा। मान लीजिए इनकम हमारी 200 है और एक्सपेंस 100 रुपये है, तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, 100 रुपये का, ठीक है। और लॉस उसी का उल्टा, अगर हमारा एक्सपेंस मान लीजिए 200 है और इनकम 100 है तो हमारा लॉस कितने को जाएगा, 100 रुपये। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक तरीका है जिससे हम लोग क्या समझेंगे कि इनकम है, अरे सॉरी, प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। तो आज हम लोग ने क्या देख लिया, आज हम लोग ने देख लिया कि बिजनेस और प्रोफेशन में क्या अंतर है, ठीक है। और हम लोग ने कल क्या देखा था कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है। और आज कुछ मोटिव्स देख लिए बिजनेस के। अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे और बिजनेस के बारे में और भी देखेंगे, और कुछ टर्म है बिजनेस का जो मैं आपको लोग बताऊंगा, जैसे एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ठीक है। आजकल उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और बिजनेस से इनका क्या रिलेशन है, ठीक है। आम बोलचाल में सब लोग समझते हैं बिजनेस और बिजनेसमैन एक है, नहीं। पर अगर आप काम कर रहे हैं कंपनी में है तो बिजनेस और ओनर अलग हैं। अगर आपका भी बिजनेस है तब भी कानून की नज़र में बिजनेस और ओनर क्या है, अलग हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि अभी हम लोग ने क्या देख लिया कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। क्या देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संगठन। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, संगठन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब होता है, आप लोग को पता है, ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है कि सभी चीज़ों को एक साथ एक ही जगह पे लाके इकट्ठा करना, जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, ठीक है। जैसे हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए जो भी हमें रॉ मटेरियल लगेगा, कच्चा माल, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक जगह पे एकत्रित करना पड़ेगा। तो एक जगह के पे एकत्रित करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल हमें लगेंगे, उस एकत्रित करने को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो गया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन शब्द हमारा किससे आया, ऑर्गेनाइज से। तो आइए देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इस सब्जेक्ट का आपके नाम क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होती है वो संस्था जहां पे सभी प्रकार के रॉ मटेरियल हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ले आते हैं, ठीक है, और वहां पे क्या करते हैं, हम लोग फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको फिर सेल के लिए अवेलेबल करते हैं, ठीक है। क्या कहा हमने, ऑर्गेनाइजेशन मतलब होती है वो संस्था जहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, रॉ मटेरियल लेता है, रॉ मटेरियल से उसको परचेज करते हैं, उसको फिर फिनिश प्रोडक्ट में बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको लाके हम लोग सेल के लिए उसको, देखिए जैसे कि रॉ मटेरियल, इसके बाद ये बनेगा फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, अब जहाँ पे ये काम होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। पर जब सब चीज़ ऑर्गेनाइज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, वहाँ पे वो उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। आइए हम लोग और क्या देखते हैं, फीचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, क्या देखते हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, फीचर्स ऑफ बिजनेस में क्या है, पहला क्या है, ठीक है, पहला क्या है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेस,
फॉर वैल्यू, ठीक है, किसी भी पैसे के लिए, ठीक है, किसी भी पैसे के लिए हम अगर गुड्स और सर्विस अगर प्रोवाइड करते हैं, पहला फीचर क्या है हमारा, पहला फीचर है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। देखिए वैल्यू बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है। वैल्यू का मतलब हो गया कि हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, डीलिंग इन मनी, ठीक है। तो पहला क्या है, गुड्स और सर्विस को हम जब भी बेचेंगे, ठीक है, तो किसके लिए, किसी वैल्यू के लिए, ठीक है, इसको चैरिटी के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर वैल्यू दूसरा है इसमें, रिकरिंग नेचर, रिकरिंग नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी हमारा क्या है ट्रांजेक्शन है वो क्या है, रिकरिंग नेचर का है। रिकरिंग नेचर का क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि एक के बाद एक ट्रांजेक्शन होते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए अब आम बोलचाल में हम ये बता दें कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, RD खुलवाते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें क्या होता है कि हर महीने हमें जितने अमाउंट से हमने अकाउंट खुलवाया है उतने पैसे क्या करने हैं, जमा करने हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब एक के बाद एक, ठीक है। जैसे आइए देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मान लीजिए रिकरिंग अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है, 100 रुपए से जनवरी में, ठीक है। तो अब फरवरी में भी हमें उसमें 100 रुपए जमा करना पड़ेगा, मार्च में भी 100 रुपए और अप्रैल में भी 100 रुपए। तब तक जमा करना पड़ेगा जब तक ये हमारा क्या हो, अकाउंट क्लोज ना हो जाए, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा है, रिकरिंग नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकरिंग नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन का क्या मतलब हुआ कि देखिए बिजनेस में जो भी काम होता है ना, बिजनेस में जो भी काम होता है उसको हम ट्रांजेक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। परचेज, सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन। तो अब एक ही ट्रांजेक्शन पे बिजनेस नहीं निर्भर करता है, ठीक है, कई ट्रांजेक्शन होते हैं, रोज होते हैं, डेली होते हैं, मंथली होते हैं, ईयरली होते हैं, ठीक है। ये सब किस पे हमारा है, ये सब हमारा बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है। और जब एक से ज़्यादा कई बार ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकरिंग नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। आइए तीसरा क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। ये सबसे बड़ा आपका क्या है, ये आपके बिजनेस में हमेशा रहेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका मेन मोटिव या मेन फीचर या मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, टू अर्न प्रॉफिट। चाहे जो सिचुएशन हो हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट ही कमाना है, ठीक है। प्रॉफिट नहीं हो रहा वो अलग चीज़ है, पर हमें कोशिश किसके लिए करनी है, हमें कोशिश प्रॉफिट कमाने के लिए ही करनी है, ठीक है। तो अगर हम प्रॉफिट कमाने के लिए कोशिश करेंगे, ये भी एक तरह से क्या है, एक फीचर है किसका, बिजनेस का, ठीक है। रिस्क एलिमेंट, ठीक है। अब रिस्क एलिमेंट क्या होता है, देखिए अब आप बिजनेस कर रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस भी होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू ऑलवेज रेडी फॉर अर्निंग अ रिस्क और फॉर डीलिंग विथ रिस्क, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, रिस्क एलिमेंट अपने बिजनेस में देखना पड़ेगा और बिजनेस में रिस्क को हमेशा निग्लेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा रिस्क माइंडेड ही काम करेंगे, ठीक है। अगर आपने 100 रुपये का कोई सामान बेचा है, ठीक है, और आपने उसको कितने में, 110 में खरीदा था, तो यहाँ लॉस भी हो गया, ठीक है। और 110 में सामान खरीदने पे आपको ये भी रिस्क है कि हो सकता है ये बिके ना, ठीक है, और नहीं बिकेगा तो पूरा 110 क्या हो जाएगा, आपका लॉस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से आपका रिस्क एलिमेंट हो गया कि हमने प्रोडक्ट खरीद तो लिया है, पर प्रोडक्ट की अगर डिमांड एक बारगी अगर मार्केट से ख़त्म हो गई तो हमारा वो फिर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पूरा डंप हो जाएगा गोडाउन में।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिस्क एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें समझ में आ गई। ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फीचर ऑफ बिजनेस। हम लोग ने क्या क्या देख लिया, बिजनेस क्या होता है, ठीक है, आपका प्रोफेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मोटिव ऑफ बिजनेस और फीचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, इतनी चीजें हम लोग ने देख ली हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, क्वालिटीज ऑफ बिजनेस पहली चीज, और दूसरा चीज बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।